नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी, डीएस रिसर्च सेंटर के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले 6-7 महीनों से, जब से हमने कोरोना की दूसरी लड़ाई लड़ी, उसके बाद बहुत सारे चीज़ों से हमने संघर्ष किया। उस पूरे दौरान यही एकमात्र ऐसा मीडियम था जिससे हम लोगों से जुड़ सकते थे। सो हमने ये अपनी पहल शुरू की और लगातार एक के बाद एक हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर चर्चाएं की हैं। मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूं डीएस रिसर्च सेंटर के बैनर तले। डीएस रिसर्च सेंटर पिछले 50 सालों से अधिक से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से, आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर रोगियों की सहायता करने के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आज हम भारत के 6 शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कोलकाता, वाराणसी, गुवाहाटी, बैंगलोर, हैदराबाद और मुंबई है। अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग हमारे एक्सपर्ट्स, जैसे हमारे डॉक्टर, हमारे डायटिशियन हमेशा टाइम टू टाइम हमें ज्वाइन करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और ये पूरा जो बैनर है या जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोफेसर शिवा शंकर त्रिवेदी और डॉक्टर उमा शंकर त्रिवेदी के सपनों का एक एक, एक छतरी है, जिसके अंडर में ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। और एक बहुत बड़ी सफलता पिछले 50 सालों में, एक रिमार्केबल एक सक्सेस हमें मिली है कैंसर के क्षेत्र में। मैं मुझे पर्सनली याद है कि जब भी हम लोग पहले भी या आज भी जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता है, या कैंसर शब्द का नाम सुनते ही एक बहुत बड़ा डर उसके सामने खड़ा हो जाता है। हमारी जो एलोपैथिक की जो स्टाइलिंग है या जो तरीका है, वो बहुत फेमस तो है, लेकिन वो रोगियों की पूरी तरह से सेवा कर पाने में या सहयोग कर पाने में कभी कभी असमर्थ होता है। ऐसे में लोग और तरफ, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ देखते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक एक बहुत सशक्त माध्यम है। आज से नहीं, हजारों सालों से भारत में इसका बहुत प्रचार प्रसार है, लोग भरोसा करते आए हैं। एक समय ऐसा था कि जब सिर्फ किचन यानी रसोई ही लोगों के ठीक होने का एक बहुत बड़ा एक औषधालय आप कह लें, माना जाता था, जिसमें हल्दी, नीम, गिलोय चीजें और खाने पीने की तमाम चीजें, मेथी और हरी सब्जियां, और मतलब ऐसी अनगिनत हम चीजों का नाम ले सकते हैं जिनसे हम लोग अपने आप को ठीक करते थे, बेसिक्स जितने भी होते थे। आज सभी जानते हैं कि एलोपैथिक एक बहुत प्रचलित चिकित्सा है और अनडाउटफुली रोगियों की बहुत मदद भी करता है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं, एक बेसिक जो जिसको हम कह सकते हैं जड़ों में, जिसकी वजह से रोगियों को बहुत तकलीफें हो जाती हैं। ऐसे में आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा दायित्व है, और हमें बहुत खुशी है कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के एक एम्बेसडर के रूप में या एक ऐसे कार्य पद्धति को हम आगे लेके आ रहे हैं जिससे रोगियों में एक बहुत आशा की किरण है। और ये बात कहने का आधार इसलिए क्योंकि हमने ये करके दिखाया है। हमारी हिस्ट्री, हमारा जो पास्ट है, वो बहुत अच्छा है। सैकड़ों हजारों ऐसे पेशेंट्स जिनको नहीं आराम था या जो बहुत परेशान थे, वो हमारे पास आए, हमने अपनी सुविधाएं, अपना अनुभव, अपनी दवाइयाँ, अपने खान पान के तरीके सब उनसे शेयर किए, और रेगुलर ऐसा करते रहने से उनको न सिर्फ लाभ हुआ, जबकि वो बहुत लंबे समय से वो ठीक होने में कामयाब हुए। इसी चर्चा में आज एक टॉपिक लेके हम आए हैं, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ है, नवंबर को माना जाता है, और हम सब कहीं ना कहीं जहाँ भी हैं, चाहे मैं वाराणसी में हूँ, शुभांगी जी कैलकाटा में है, मेघा जी मुंबई में है, हर जगह एक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में ये एक बहुत समस्या का रूप लेता जा रहा है। हम रोज न्यूज चैनल खोलते हैं और हम देखते हैं कि कैसे दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, कैसे मुंबई बहुत पॉल्यूटेड है, कैसे कैलकाटा में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और चूंकि ये लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ है, इसलिए ये टॉपिक एक बहुत जरूरी टॉपिक है, जिसमें आज हम बात करेंगे लंग कैंसर और फेफड़ों के बचाव के बारे में। बहुत छोटे थे हम लोग, तब से पढ़ते आ रहे हैं कि धरती पे इतना पॉल्यूशन पिछले 100 सालों में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ओजोन जो परत है उसमें छिद्र हो गया है, जिसमें छेद हो गया है। ये बचपन से मैं देखता आया हूँ, पूरी दुनिया इसमें कुछ न कुछ ऐसा एक स्टेप ले रही है ताकि उस चीज को बचाया जा सके। बीच में मैंने ऐसा भी सुना था, मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने बताया था कि लास्ट ईयर कोरोना के दौरान, पैंडमिक के दौरान, उसमें बहुत हद तक सुधार हुआ, और वह ऐसे समय में हुआ जब पूरी दुनिया में सब जगह लॉकडाउन लगा,
व्हीकल्स बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, और 1-2 महीनों तक। तो ये बात जग जाहिर है कि इस पूरे पॉल्यूशन के पीछे हमारा इनडायरेक्ट वे में बहुत बड़ा योगदान है। डायरेक्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो मानव की जो मूलभूत जरूरतें हैं, आना जाना, खाना पीना, इसमें आज के जमाने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अनचाहे रूप में हमें उनको शामिल करना पड़ता है। जैसे अगर हमें कहीं जाना हो तो हमें व्हीकल्स जरूरी हैं, और वो डीजल पेट्रोल से जो धुआं और तमाम चीजें निकलती हैं, या कारखानों से जो धुआं निकलता है, वो बहुत पॉल्यूशन देता है। जो जीवन की नेसेसिटी में जो दो चीजें हैं, जैसे आपको हवा, आपका पानी, आपका अनाज, ये सब कुछ बहुत पॉल्यूटेड हो रहा है। लेकिन जो 24 घंटे, हर सेकंड, हर पल, हर मिनट जो चीज अनवरत हम करते हैं, सांस लेना, और उस सांस लेने के दौरान अगर हमें शुद्ध हवा नहीं मिले तो इसमें बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं और आ रही हैं। तो जो आज का एक हमारा टॉपिक है वो ये है, पॉल्यूशन नॉट ओनली डैमेज द ओजोन लेयर बट आवर लंग्स टू, एंड इट इज रियली वेरी क्लियर एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो वी हैव सम स्मॉल क्वेश्चंस एंड स्मॉल सेशन, सो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट डॉक्टर शिवांगी दास जी। वेलकम डॉक्टर शिवांगी दास जी। थैंक यू डॉक्टर मिस्टर शी इज बेनिस। फ्रॉम कोलकाता, शी ज्वाइंड अस फ्रॉम कोलकाता। शिवानी दास जी डिड हर बीएएमएस एमडी आयुर्वेदा, एंड शी इज आयुर्वेदाचार्य। राइट नाउ शी इज इन डीएस रिसर्च सेंटर एंड पार्टिसिपेटेड इन रिसर्च प्रोजेक्ट एट इंस्टीट्यूट लेवल ऑन मनोवाहा स्त्रोत मेंटल वेल बीइंग, रक्त सराहा एंड ब्लड इंडिकेट्स। एडिशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूड पीपीएफसी, एमयूएचएस, डीईएमएस इज एसोसिएटेड विद डीएस रिसर्च सेंटर फॉर लास्ट 8 ईयर। ये एक छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। अदरवाइज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक डॉक्टर के तौर पे इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है डीएस रिसर्च सेंटर में, और पिछले 8 सालों से अधिक से ये डीएस से जुड़ी हुई है और अपनी सेवाएं दे रही है। मोस्ट वेलकम अगेन। थैंक यू विनय, थैंक यू, एंड सच अ लवली अनदर, इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, एंड अनदर डॉक्टर फ्रॉम मुंबई, डॉक्टर मेघा सफेकर। वेलकम मेघा जी, एंड शी इज नमस्ते। बीएएमएस एमडी आयुर्वेदाचार्य एंड हैज टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आयुर्वेदा। शी कंप्लीटेड हर बीएएमएस फ्रॉम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर एंड एमडी फ्रॉम केजी मित्तल कॉलेज। राइट नाउ शी इज इन मुंबई एंड शी इज प्रैक्टिसिंग एज ए आयुर्वेदिक कंसल्टेंट इन मुंबई। शी वर्कड एज ए आयुर्वेदाचार्य कंसल्टेंट इन आयुर्वेदिक, सॉरी आयुर्वेदा, एंड नाउ वर्किंग विथ डीएस रिसर्च सेंटर फॉर लास्ट 6 ईयर। वेलकम मैम थैंक यू मेघा जी। विनय। सो जब हम इस एयर पोल्यूशन की बात करें या जो भी लंग कैंसर अवेयरनेस के, बिकॉज देखिए ये बहुत डायरेक्ट लिंक्ड है, लंग कैंसर का सबसे बड़ा जो कारण है पूरी दुनिया में, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं, डिफाइन करने की जरूरत नहीं, इट इज ओपन टू ऑल, इट इज क्लियर विजिबल कि जो एयर में जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर शिबांगी जी से पूछना चाहता हूँ कि हाउ एयर पॉल्यूशन एडवर्सरी इफेक्ट्स हेल्थ ऑफ आवर लंग्स, ये सबसे पहला मेरा आपसे सवाल। श्योर विनय जी, दिस इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स वी नीड टू डिस्कस बिकॉज नवंबर इज लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ एंड दिस इज द मंथ एंड दिस इज द पीरियड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एयर इज वेरी हाई। पोल्यूटेंट्स आर द कंपाउंड्स और द मैटर दैट इज कॉजिंग हार्म टू द ह्यूमन बॉडी, एनिमल और बिल्डिंग्स एज वेल। तो पोल्यूशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी चीज जो हम सांस लेते हैं, जो हवा में, उस हवा में ऐसी हार्मफुल चीजें होना जो हमारे श्वास के साथ अंदर जाती हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। पोल्यूशन जो होता है, एयर पोल्यूशन पर्टिकुलरली, ये रीजन, वेदर, सीजन, इस पे बहुत डिपेंड करता है। इसको अगर हम समझे मोटे तौर से तो दो भाग में इसको हम देखते हैं, एक स्मॉग और एक सूट।
तो जो स्मॉग होता है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि ओजोन लेयर, जो जी एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर होता है, दैट इज हेल्दी एंड दैट वी नीड इट बिकॉज इट वर्क्स एज अ प्रोटेक्शन फॉर द अर्थ. बट जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, दैट इज स्मॉग. ठीक, क्योंकि ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिकल्स होते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट हैं, ये ज्यादातर हमारे इंजन से निकलते हैं, इंजन एग्जॉस्ट से निकलते हैं, या फिर जहाँ पे किसी तरह का फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर्टिकुलरली डीजल या पेट्रोल जैसे फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है या कोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां से निकलता है ये. तो ये जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से एक थिक लेयर बनती है स्मॉग, जी और ये हमेशा सन रेज के प्रेजेंस में होती है. वहीं पे जो दूसरा होता है दैट इज सूट. सूट मतलब वो जो आप समझ लीजिए जो छोटे छोटे इंजन से जो काला काला सा धुआं निकलता है, जी उसमें उसका परसेंटेज बहुत हाई होता है. तो हमारे शरीर का नियम है कि जो बाहर की बुरी चीजें हैं वो हमारे शरीर में ना प्रवेश कर पाए, तो हमारे नाक में, हमारे गले में एक लेयर होता है, म्यूकोसल लेयर होता है, हमारे नाक में हेयर्स होते हैं जो एयर के साथ आने वाले पोल्यूटेंट्स को कैच करते हैं, ठीक, पकड़ते हैं, जिससे वो नीचे लंग्स की तरफ ना उतर ना पाए. जाए। यस, बट यहीं पे जो सूट, जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, इनका साइज अगर 2.5 माइक्रोन से कम हो तो इनका काफी छोटा साइज होता है एंड दे सीप डाउन टू डीपर टिश्यूज, मतलब ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं. इनका काम क्या होता है या ये करते क्या है, ये एक परसिस्टेंट इरिटेशन कॉज करते हैं. हमारे जो इंटरनल लेयर है, रेस्पिरेटरी पैसेज का इंटरनल लेयर है, उसको इरिटेट करते रहते हैं. इस वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ इंफ्लेमेटरी या एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं जो हमें लक्षणों के रूप में नजर आते हैं. यही समझ लीजिए कंटिन्यूअसली होता रहा, मतलब यही इरिटेंट कंटिन्यूअसली जी हम इनहेल करते रहे, हमारे शरीर के अंदर जाते जाता रहा, तो धीरे धीरे क्रोनिक फॉर्म में ये सीओपीडी या लंग कैंसर में कन्वर्ट होता है. कुछ सिम्टम्स अक्यूट होते हैं, कुछ क्रोनिक होते हैं, और यही क्रोनिसिटी मतलब क्रोनिक कंडीशन जो होती है, ये आगे चल के लंग कैंसर में परिवर्तन हो सकता है, ये डर रहता है. क्योंकि WHO ने ये कंसिडर किया है, ये मेंशन किया है कि एयर पॉल्यूशन इज ह्यूमन कार्सिनोजेन इक्वली टू टोबैको, एस्बेस्टस या दूसरे कार्सिनोजन से रिलेटेड. दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ डेथ बाय कैंसर इन लंग्स. तो दिस इज हाँ दिस इज मतलब ये इसको कहने के लिए ये प्रूवन है कि दिस हैज बीन अ कॉज ऑफ लंग कैंसर. तो ये हमारे लंग के हेल्थ को पहले बिगाड़ता है, फंक्शन को इफेक्ट करता है, और उसके बावजूद ये हमारे शरीर में अगर प्रवेश पाता रहा तो फिर ये लंग कैंसर की तरफ शरीर को ले जाता है. हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग अक्सर जब बात करते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ ऑर्गन्स है उसमें लंग और लीवर, क्योंकि सांस लेना, खाना पीना, पचाना, तो ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है अर्थ पे, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो सांस लिए बिना 2 मिनट से ज़्यादा रुक सके। वो बिल्कुल एक बिल्कुल ऐसा नॉर्मल प्रोसेस है जिसको आप रोक ही नहीं सकते, अदरवाइज आपकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। सो मेघा जी, आपसे मैं सवाल करूंगा कि हम कैसे अपने लंग्स की देखभाल करें एज पर आयुर्वेदा, कि हम इन चीज़ों से फाइट कर सके। क्या ऐसा कुछ खाने पीने में या और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनकी मदद से बचाव किया जा सकता है या पहले से ही सावधान रहा जा सकता है? थैंक यू इना जी. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लंग के लिए, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा है कि जो कोविड भी आया था, अभी भी जो चल रहा है, उसमें भी जैसे लंग का प्रोटेक्शन, लंग का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. वैसे अभी जो पोल्यूशन है, जैसे अभी डॉक्टर शिवांगी, जैसे आपने जो डिस्कस किया है पोल्यूशन के बारे में, तो पोल्यूशन का जो सिवियरिटी है और ये जो लंग कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर बताया जाता है, तो उसके लिए जो पोल्यूशन है वो तो कम ज्यादा होगा, बट हमें भी प्रिकॉशन लेना है कि हमारे लंग स्ट्रांग होने चाहिए. तो जी लंग स्ट्रांग होने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ऐसे जो आयुर्वेदा में बताया जाता है. तो काफी चीजें बताई गई है, जैसे लंग का जैसे फंक्शन है रेस्पिरेशन, वैसे लंग का फंक्शन एक डिफेंस मेकेनिज्म. जब तक जी पॉसिबल होता है लंग खुद डिफेंस करता है, इसलिए हमें कफ होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्नीजिंग होता है. तो जो पोल्यूशन होता है, डेली हम जो
रेस्पिरेशन करते हैं, जो श्वासोच्छ्वास लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली पोल्यूटेंट्स बाहर आते हैं। बट जैसे डॉक्टर शिवांगी ने जो बताया कि एकदम जो स्मॉल पार्टिकल्स में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो लंग्स में जाते हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं आते, तो उसके लिए हमें लंग को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें आयुर्वेदा में बताया गया है मेनली प्राणायाम, पंचकर्मा, इम्यूनिटी बूस्टिंग जैसे हर्ब्स बताए गए हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राणायाम करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, अनुलोम विलोम, कुंभक, कपालभाति, ये अगर हम डेली बेसिस पे करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हमारा लंग का कैपेसिटी बढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। जो लंग डे बाय डे जो डिटोरिएशन, जो सेल्स वीक होते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसका डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ेगा। इसके साथ साथ आयुर्वेदा में बहुत अच्छा बताया गया है पंचकर्म। पंचकर्म ये होता है वो जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है बॉडी के, वैसे लंग के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी जैसे वमन बताया है। वमन मीन्स जो हमारा मेडिकेटेड मेडिसिन लेके, घी लेके हमें उल्टियां करनी पड़ती है, जिससे हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स के रूप में जो डस्ट है, जो पार्टिकल्स अकुमुलेट होते हैं, वो बाहर आते हैं। उसके लिए आयुर्वेदा में एक प्रोसीजर बताया जाता है। वो प्रोसीजर से अगर हम वमन करेंगे, जो डिसीज है जिनको अस्थमा है या जो सीओपीडी है, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी करते हैं, और जो हेल्दी है, जो डेली सफर हो रहे हैं पोल्यूशन में, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो वासंतिक वमन बताया गया है हेल्दी लोगों के लिए, कि जो कफ जो एक्यूमुलेट होता है एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द आयुर्वेदा, जो कफ एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, वो प्रोसीजर से बाहर निकाला जाता है, जिससे बात हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और हमारे लंग स्ट्रांग होते हैं। दूसरा जो बताया गया है कि जैसे नस्य, नस्य में जैसे डॉक्टर शिवांगी ने बताया कि हमारे नेजल में हेयर्स होते हैं, म्यूकोजा होता है, जो प्रिवेंट करता है, जो एज ए फिल्टर वर्क करता है, ठीक है। अगर हम म्यूकोजा में जैसे हम लोग नोज में अगर हम लोग ऑयल डालते हैं, ऑयल या घी, जो भी प्रोसीजर होती है, नस्य बोलते हैं उसको, तो उससे हम हमारे जो फेफड़े का प्रोटेक्शन करते हैं थ्रू नजल। वैसे ओरली भी हमारा जो डस्ट जाता है, तो उसके लिए कवल या गणवेश बताए, तो उसके हमारा जो ओरल म्यूकोजा होता है, उसको ऑयल का एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ स्नेहन और स्वेदन बताया है, जो लंग एरिया होता है, इसमें फ्रंट और बैक साइड में हमें ऑयल के साथ या घी के साथ मसाज किया जाता है। इसके साथ साथ स्वेदन में हॉट फोमेंटेशन किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लेम या जो कफ जमता है, जो टॉक्सिन्स जमते हैं, वो ऑटोमेटिकली कफ के रूप से बाहर आते हैं, तो हमारा लंग क्लीनिंग प्रोसीजर हो जाता है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हमारा डाइट, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट, ये डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। साथ में आयुर्वेदा में काफी इम्यूनिटी बूस्टिंग बताया गया है, जैसे अभी विंटर का सीजन है, आंवला है, आंवला इज द बेस्ट रहता है। उसके साथ साथ च्यवनप्राश बताया गया है, जिसमें मेन बेस है आंवला। इसके साथ साथ लंग के इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे बताया जाएगा, एष्टी मधु है, पिंपली है, सीतोफलादि है, ऐसे काफी है। और किचन में भी ऐसे इतने स्पाइसेस है जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर यूज कर रहे हैं, एज अ ग्रीन टी यूज कर रहे हैं, जैसे तुलसी माना जाता है, ऐसे काफी हर्ब्स है जो हम यूज करेंगे ग्रीन टी में वगैरह, तो डेफिनेटली वो हमारे लंग को इम्प्रूव करेगा, और जो डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट पोल्यूशन या अगेंस्ट डिसीज, उसको फाइट करने के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल करता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली हमेशा एक शरीर विज्ञान में हम लोगों ने देखा है कि हर चीज के लिए अगर कोई एग्जिस्ट करता है, जैसे कोई अच्छी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके साथ बुरी चीज भी एग्जिस्ट है, और अगर बुरी चीजें हैं तो उसके साथ अच्छी चीजें भी हैं कि बॉडी में एक ऑटोमेटिक कुछ फंक्शंस हैं, जैसे आपने बताया म्यूकस का या उल्टी करने का। जो लोग सोचते हैं कि ये बुरी है, लेकिन हम आयुर्वेद के थ्रू उसको करवाते हैं कि उसके, जैसे आपने कहा कि टॉक्सिक वो बाहर चले जाएं, इस तरह की बहुत सारी चीजें। मैं पूछूंगा अभी शिवांगी जी से कि जब इस तरह के लंग से रिलेटेड कोई भी डिजीज जब ये पनपती है, जो कि बाद में कैंसर तक में तब्दील हो जाती है, अभी तो उसमें सिगरेट पीने और तमाम ऐसे जो हम जानबूझ के प्रयोग किए जाने वाले जो चीजें हैं, जो डायरेक्ट इनहेल के थ्रू जाते हैं, उनके साइड इफेक्ट और बाकी जो ऑटोमेटिक हैं, जब वो साइड इफेक्ट लगातार होते रहते हैं, उसके बाद व्हाट आर द प्राइमरी साइंस एंड सिम्टम्स की जो डिजीज जो कैंसर के तौर पे होती है, तो उसमें किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करें? विनय जी, अवेयरनेस का पहला मोटो ही ये होता है, या ऑब्जेक्टिव होता है, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं, जिससे हम प्रिवेंशन एंड प्रिमिटिव स्क्रीनिंग्स कर सकें।
तो प्रिवेंशन जैसे मेघा जी ने डिस्कस किया कि क्या हेल्प आउट कर सकता है, और जो प्राइमरी साइंस है ये समझने में आसानी करते हैं कि वेदर मतलब हम किस मतलब हमारा जो शरीर है वो किस तरफ जा रहा है, वेदर इट इज इन राइट डायरेक्शन और नॉट। तो अगर एयर पोल्यूशन की वजह से प्रिमिटिव साइंस अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लेकिन वो थोड़ी समय के लिए, या फिर थोड़ा सा मैनेजमेंट किया ठीक हो गया, थोड़ी सी खांसी हुई, गले में खराश जैसे रहती है, इरिटेशन रहता है, लेकिन यही जब धीरे धीरे बढ़ता है तो ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी में कन्वर्ट होता है, जिसके ग्रेव सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना, वीजिंग साउंड आना, इस तरह की दिक्कतें हमको नजर आती हैं, या फिर कंटिन्यूअस एक ड्राई कफ होना, ये लक्षण होते हैं। अब समझ लीजिए हम कैसे समझेंगे कि लंग कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। तो पहला जब जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ड्राई कफ, वीजिंग साउंड, अडिशनली अब क्या आता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, कई बार होता है गले की आवाज बैठ जाती है। देन वी हैव, हाँ देन वी हैव कि जो वेट लॉस है, हम जो इंसान है या फिर जो पेशेंट है वो चाह नहीं रहे हैं वेट लॉस, बट वो हो रहा है अनइंटेंशनल वेट बिल्कुल। लॉस हो रहा है। यस, फिर सीने के चारों तरफ एक जकड़ाहट जैसी लगती है, या फिर खांसते वक्त सीने में या गले में दर्द हो रहा होता है, कई बार होता है ये जो कॉलर एरिया होता है जहां पे हमारे शर्ट का कॉलर आता है, उस एरिया में हमको समझ में आते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स समझ में आ सकते हैं। सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिम्टम होता है हेपेटाइसिस, मतलब थूक के साथ ब्लीडिंग होना, ये दीज आर अलार्मिंग साइंस। अगर ये साइंस आ रहे हैं तो यू नीड टू इमिडिएटली गो एंड स्पीक टू अ डॉक्टर, फर्दर इसके लिए जो मैनेजमेंट की आवश्यकता है किया जा सकता है। बिकॉज कोई भी डिजीज अगर हम प्राइमरी मतलब या फिर स्टेज वन हाँ में या शुरू में। प्राइमरी हाँ स्टेज में पता, यस पता कर ले, तो पेशेंट को स्वस्थ करने में और स्वस्थ रखने में दिक्कत नहीं आती। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अब मेघा जी आपसे ये पूछूंगा, कुछ सिंपल ऐसे फूड मुझे बताइए जैसे हम सब जानते हैं टीवी में भी देखते हैं और ऐसे भी कि च्यवनप्राश हम खाते हैं वो एक लेयर बनाता है और उसमें बहुत सारे औषधीय तत्व होते हैं। ऐसे दो चार ऐसे कुछ ऐसी चीजें जो कि लंग को हेल्दी रखने में हेल्पफुल हो, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं जो घर पे यूज किए जा सके? डेफिनेटली जैसे अभी जैसे हमने बताया कि जो किचन में हम काफी स्पाइसेस यूज करते हैं उसमें मेनली हम लोग ग्रीन टी के रूप में जैसे ले सकते हैं, जैसे उसमें काली मिरी, लवंग डाल के, तुलसी डाल के, अदरक, ये जो घर के पे जो चीजें होती है अवेलेबल वो हम यूज करते हैं, तो उसे हम ग्रीन टी बनाए, या उसको अगर हम लोग हनी के साथ भी अगर यूज करते हैं, जैसे अगर खांसी हुई या जनरल कुछ सिम्टम्स हुए तो लंग के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए जैसे हम लोग अदरक का रस अगर हनी और तुलसी के रस के साथ अगर दे रहे तो बेस्ट होता है। पिंपली जैसे बताया, पिंपली होता है, च्यवनप्राश होता है, ठीक है, अगस्त्य हरितकी रसायन करके बताया जाता है जो लंग्स के लिए अच्छा होता है। च्यवनप्राश तो जैसे कॉमन है जो सभी के लिए बताया जी है। सभी के लिए जी। हाँ, इसके साथ साथ लंग का या गले का कुछ भी अगर इरिटेशन हो कुछ हो तो जो यष्टि मधु, ज्येष्ठ मधु इसको बोलते हैं, ठीक है, उसका पाउडर या उसकी जो स्टिक आती है वो हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ साइट्रस फूड जैसे आंवला बताया है, लेमन, ये हेल्पफुल होता है। इन सभी के साथ अगर हम प्रिकॉशन के बेस पे अगर चलेंगे तो आयुर्वेदा में जैसे बताया कि ठंडी चीजें या अपोजिट, जैसे हम लोग गर्म ले रहे हैं अभी, अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल चाय पिया है, चाय के साथ इमिडिएटली ठंडा पानी पीना, ये अपोजिट हो जाता है, गले के लिए, लंग के लिए प्रॉब्लम करता है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें मेंटेन करने, अपोजिट, जैसे आइसक्रीम खाया, पानी पिया, और जैसे सीजन वाइज है, जैसे सीजन है उसके साथ साथ हमें डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। साइट्रस फूड, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो डाइट होता है वो हमें लेना बहुत जरूरी होता है, और जो अपोजिट को जैसे बताया कि ठंडे के साथ गर्म वाली जो चीजें हैं वो अवॉइड करना बहुत जरूरी है, ऐसे आयुर्वेदा में बताया गया है।
चलिए, थैंक यू सो मच। एक चीज जो मुझे लगता है कि जाने अनजाने कोरोना पीरियड में हम लोगों ने एक चीज सीखी, मास्क का प्रयोग। मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत हेल्पफुल चीज है, जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी हम सांस के थ्रू इनहेल कर रहे हैं या मुंह के थ्रू इनहेल कर रहे हैं, वो एक एसेंशियल पार्ट है। तो जब हम बाहर आजकल जाते हैं तो तमाम धुआं, धूल और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल में बहुत सारे मेटल्स होते हैं, कांच होता है और इस तरह की तमाम चीजें, इससे ये बहुत हद तक बचाता है। आई थिंक कि ये मास्क का प्रयोग न सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए बल्कि लंग्स रिलेटेड जो चीजें हैं उससे बचाव के लिए भी यूज करनी चाहिए। शिवांगी जी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एरियाज होती हैं जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन का इंडेक्स है, हाई इंडेक्स है, जी वहां पे लोगों को तो ये पहनना कंपलसरी होना चाहिए, वेदर देयर इज कोविड सिचुएशन और नॉट। दूसरा नॉट है बाहर, हाँ बिल्कुल, बाहर स्ट्रेनस एक्सरसाइज, जैसे हम करते हैं एक्सरसाइज या जिमिंग जो है वो बाहर नहीं करके अपने घर में ही करने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर अगर हम बहुत देर तक गाड़ी चला रहे हैं या फिर ट्रैफिक में अगर खड़े हैं, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि विंडोज को ऊपर उठा के और थोड़ी देर एसी मतलब वेंटिलेशन करना चाहिए, बिकॉज यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे लंग्स को सेफ रख पाएंगी। और जैसा मेघा जी ने बोला कि प्राणायाम जो है ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जो पैसेज में जो भी चीजें हैं उनको भी हम रिमूव कर पाते हैं, तो ये हेल्पफुल है। मास्क, आई वुड क्या से जहाँ कहे, पे इंडेक्स हाई है इट शुड बी मैंडेटरी, लोगों को खुद ही बिल्कुल। समझना चाहिए। स्मोकिंग दैट हैज टू बी अवॉइडेड, यहाँ तक कि अगर पैसिव स्मोकिंग भी हो रही है आपके साथ कोई अगर स्मोक कर रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली से टू दैट पर्सन और मेक अ डिस्टेंस। इस तरह से खुद को खुद ही बचा के चलना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर्स का। दो तीन चार छोटे सब्जेक्ट्स लेकिन इन शॉर्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जिसमें लंग कैंसर के पॉल्यूशन की वजह से इंक्रीज के कारण क्या क्या खाने पीने में हम यूज कर सकते हैं, क्या सावधानियां बरत सकते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं, पॉल्यूशन के एडवर्सरी जो इफेक्ट हैं वो क्या हैं, इन सब चीज़ों पे थोड़े समय में ही लेकिन काफी विस्तार से चर्चा हुई। और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में हम और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा करते रहें। सो कैलकटा से शिवांगी जी और मुंबई से मेघा जी हमारे साथ बनी हुई थी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विनय जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच। नमस्कार। नमस्कार।